संख्या पद्धति में कल शाम तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन कराए थे, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, अच्छे क्वेश्चन हैं। मैंने आपको बोला था कि ये क्लास आपको आज सुबह में 8 बजे मिल जाएगी, तो लीजिए मैं 8 बजे आपके सामने बचे हुए क्वेश्चन के साथ फिर से एक बार हाजिर हूँ। पढ़ने से पहले आपको एक बार याद दिला दूँ कि जो भी बच्चों ने पिछली 2 क्लासेस नहीं देखी हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे, उनको देखें पूरा सही से, और फिर अगर प्रश्नों को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कब कहाँ शुरुआत होती है और कहाँ ख़त्म होती है। एक बार पढ़ें, सही से पढ़ें, ठीक है। सवाल जैसे कह रहा है एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29 अभाज्य संख्याएं हैं। ये अभाज्य संख्याएं हैं तीनों ही, 1, 2, 3 तीनों अभाज्य संख्याएं। कह रहा है n का संभावित मान क्या है, जहां n जो है एक पूर्णांक है यानी कि एक इंटीजर वैल्यू है, यहां पर आपको n का संभावित मान ज्ञात करना है, n क्या हो सकता है। तो पेपर में इस प्रश्न को कैसे किया जाता है वो भी जानना जरूरी है, और इस सवाल के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो भी जानना जरूरी है, जो मैं आपसे क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था कि याद हो कि p p+2 और p+4, ये जो तीन संख्याएं होंगी ये तीन लगातार अभाज्य संख्याएं होंगी, मतलब तीन लगातार अभाज्य संख्याओं में जिनके बीच का गैप इन दोनों का 2 है और इन दोनों के बीच का गैप 2 है, मतलब तीन लगातार ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2-2 का गैप होता है, वो सिर्फ 3, 5 और 7 होती हैं, 3, 5 और 7 होती हैं। मतलब 3 में आप 2 जोड़ते हैं 5 आ जाता है, 5 में 2 जोड़ते हैं 7 आ जाता है, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट पर ये प्रश्न आधारित है। अब कैसे आधारित है, इस चीज़ को आप देख पाए नहीं देख पाए, देखिए जरा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे लिखा है एन स्क्वायर माइनस 33, उसके बाद लिखा है एन स्क्वायर माइनस 31 और फिर लिखा है एन स्क्वायर माइनस 29। तो हम यहाँ पर देखिए कि अगर मैं एन स्क्वायर माइनस 33 में 2 ऐड कर देता हूँ तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो ये मिल जाएगा। एन स्क्वायर माइनस 31 में अगर मैं 2 ऐड कर देता हूं तो हमारे पास एन स्क्वायर माइनस 29 आ जाएगा। और क्योंकि सवाल बोलता है कि ये सभी क्या थी, अभाज्य संख्याएं थी, तो इसको मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये p है, ये p प्लस 2 है और ये p प्लस 4 है। और इस कंडीशन में जब ये ऐसा होता है तो हमारे पास जो संख्याएं होती हैं एक्चुअल में वो क्या क्या होती हैं, 3, 5 और 7, इसके अलावा कोई संख्या नहीं होती है। तो बड़ी आसानी से इस बात को समझने में समझा भी जा सकता है कि सर ये जो होगा 3 होगा, ये होगा 5 होगा, ये होगा 7 होगा। तो इसको एन स्क्वायर माइनस 33 को आप 3 के बराबर करके एन का मान निकाल सकते हो, सेम आएगा, अगले वाले को 5 के बराबर, अगले वाले को 7 के बराबर, तो किसी को भी बराबर कर लो। जैसे मैंने कहा एन स्क्वायर माइनस 33 जो है अगर वो 3 है तो एन का मान क्या आएगा, 6। एक्चुअली में एन का मान प्लस भी 6 हो सकता है और माइनस भी 6 हो सकता है, क्योंकि जब एन स्क्वायर 6 के बराबर है तो एन की जो वैल्यू होगी वो प्लस भी 6 में होगी या माइनस 6 होगी, दोनों से ही आ सकता है। लेकिन क्योंकि हमारे पास ऑप्शन पर नज़र रख के काम करना था तो अपना आंसर जो होगा वो 6 ही रहेगा। आप एन स्क्वायर माइनस 31 से भी ये बात निकाल सकते हो, एन स्क्वायर माइनस 29 से भी ये बात निकाल सकते हो, ठीक। मेरे पढ़ाने पर आप हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको हमेशा बोलूँगा कि मेरे पढ़ाई हुई चीज़ों को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बोलते बोलते ही आपको आंसर आ जाएगा, लिख देंगे, और जो बच्चे ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे या ध्यान से नहीं पढ़ रहे होंगे उनका डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी, पक्की बात है। और सिर्फ बोलकर आंसर आ जाना, समझकर आंसर आ जाना, ये बड़ी बात होगी, इसी प्रकार की प्रैक्टिस आपको बना के चलनी होगी। एन स्क्वायर माइनस 31 को अगर मैं 5 के बराबर करता हूँ तो भी एन के 2 मान आएंगे, एक प्लस 6, एक माइनस 6, 36 हो जाएगा, तो आंसर 6 ही रहेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल तरीका है जो आपको जानना जरूरी था, जो मैंने अभी प्रीवियस 2 क्लासेस में आपको पढ़ा रखा है। आज शाम को जो आपको क्लास मिलेगी वो विभाजकता पर आधारित होगी और उसमें मैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपने पहले कभी पढ़ी नहीं होंगे, जिनसे आप अभी तक रूबरू नहीं हुए होंगे। तो शाम को 3:30 बजे भी सब लोग उपस्थित रहना विभाजकता के साथ, ठीक। बहुत अच्छी अच्छी बहुत नई नई चीज़ें होंगी। इसके बाद आपको नंबर सिस्टम भी लगेगा, यार इतना होता था और अब हमें सब आता है, ठीक। इस सवाल को देखो पेपर में कैसे करना है।
जैसे एन स्क्वायर माइनस 33 लिखा है, हमें चाहिए था एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू के लिए मैं अगर मान लेता कि हमारा पहला ऑप्शन सही है तो यहाँ 1 होता, यहाँ माइनस 33 होता, तो ये आपके पास रिजल्ट माइनस 32 आ जाता। प्राइम नंबर माइनस में नहीं हो सकती, इसका मतलब इसलिए 1 आंसर तो नहीं था, तो 1 आंसर को हटा देते, अगले ऑप्शन को चेक कर लेते, क्या है 2, 4 हो जाता, माइनस का 33 तो यहाँ पर माइनस का 29 आ जाता। फिर बात वही आ जाती है कि माइनस आ गया, प्राइम नंबर नहीं हो सकता, वो भी गलत हो जाता। फिर मैं चेक करता 6 को, एन स्क्वायर माइनस 33, अब अगर एन की जगह मैं 6 रख देता तो ये 36 होता, यहाँ माइनस 33 करते तो 3 आता। अगले वाले को चेक करता तो 5 आता, अगले वाले को चेक करता तो 7 आता। तो हमें समझ में आ जाता कि ये अभाज्य संख्याएं हैं कब, जब हमने एन की वैल्यू को क्या रखा, 6 रखा। तो पेपर में आपको यही करना है, लेकिन ये करने के लिए ये आप तभी कर पाओगे, तभी समझ पाओगे जब आपको ये बातें आती होंगी। सही कह रहा हूँ ना? सब लोग कमेंट करके ये बताना कि क्लास कैसी लगती है आपको, और जो चीज़ सीख रहे हो वो आपके लिए कितनी नई है, बहुत ज़रूरी है। ठीक, एक्स क्यूब बराबर एन है और एन का इकाई अंक एक अभाज्य संख्या है, मतलब कुछ संख्याएं यहाँ लिखनी है जिसका क्यूब करना है वो एन के बराबर आएगा और एन का जो इकाई अंक होगा वो एक प्राइम नंबर है। तो कह रहा है 1 से 9 तक की संख्याओं के बीच एक्स के लिए संभावित विकल्प क्या होंगे, एक्स के संभावित मान क्या होंगे। एक्स के लिए मैं अगर बोल देता थोड़ी देर के लिए कि एन बराबर मैं या एक्स बराबर मैं 1 रख लेता, तो अगर एक्स बराबर 1 रखता, क्यूब करता, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होता, ये एन आ जाता। अगर मैंने एक्स का मान 2 रख दिया होता तो एन क्या आता, 8, क्यूब करते एक्स का क्यूब एन के बराबर, 3 रखते तो ये 27 हो जाता, 3 रखने पर ये 27 हो जाता, 4 रखने पर ये 64 हो जाता, 5 रखने पर 125 हो जाता, 6 रखने पर 216 हो जाता, 7 रखने पर 343 हो जाता, 8 रखने पर 512 होता और 9 रखने पर 729 होता। अब हमें केवल उन संख्याओं को चुनना है जिसका यूनिट डिजिट, जिसका इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक एक अभाज्य संख्या हो। तो इकाई का अंक अगर अभाज्य संख्या देखनी है तो हमें पता चला कि 1 ये वाला आ जाएगा, 7 अभाज्य संख्या है, और 27 जो आया है 3 का क्यूब करके आया, यानी 1 तो 3 होगा ही होगा। उसके बाद देखा मैंने 5 भी अभाज्य संख्या है, तो 5 कब आया, जब 5 का क्यूब लिया। फिर मैंने देखा 3 भी अभाज्य संख्या है, तो 3 कब आया, जब 7 का क्यूब लिया। फिर मैंने देखा 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 कब आया, जब 8 का क्यूब लिया। तो अपना जो रिजल्ट होगा वो ये कहेगा कि सर 3, 5, 7 और 8 ऐसी संख्याएं हैं जिसका अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास इकाई में जो संख्याएं मिलेंगी वो अभाज्य संख्या मिलेगी 1 से 9 के बीच में। अब यहाँ से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात और बड़ा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकल कर आता है, उस रिजल्ट को आप लोग नोट डाउन करना है कि किसी भी अभाज्य संख्या का, लिख देता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे से नोट कर लेना, किसी भी अभाज्य संख्या का इकाई अंक, अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर का, कंडीशन भी सुनिएगा बहुत ध्यान से, किसी भी अभाज्य संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट, इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट हमेशा ऑलवेज हमेशा या तो 1 होगा, या 1 नहीं बल्कि 2 हो सकता है, 2 भी क्यों, अगर 3, 5, 7 या 8 हो सकता है, 3, 7, 8 होने की संभावनाएं रहेंगी पूरी पूरी, बल्कि 3 भी क्यों रख सकता है, इकाई अंक हमेशा जो है 1, 3, 7 या फिर 9 हो सकता है। कब, जब, कंडीशन सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात तो यह है, जब दिया हुआ प्राइम नंबर, दी हुई अभाज्य संख्या 10 से ऊपर की हो, 10 तक की तो अभाज्य संख्या है, सब आप चेक ही कर सकते हो। अब यहां पर एक पॉइंट ये भी आपको याद रखना है कि ये बात जरूरी नहीं है कि जिस संख्या का इकाई अंक अगर ये दिया हो तो वो अभाज्य ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने अगर 49 लिख दिया, 49 में तो इकाई का अंक 9 है, लेकिन ये तो कंपोजिट नंबर है, भाज्य है। मैं क्या कह रहा हूँ फिर से सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि 10 से बड़ी अगर कोई भी अभाज्य संख्या है
कन्फर्म है आपको कि अभाज्य ही है, तो उसकी इकाई में या तो एक होगा, या तो तीन होगा, या तो सात होगा, या तो नौ होगा। लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं कि जिस संख्या का इकाई अंक एक तीन सात या नौ हो वो अभाज्य हो, ऐसा जरूरी नहीं। मैं यहाँ पर 29 लिख देता हूँ, 29 का इकाई अंक भी 9 है, लेकिन ये अभाज्य संख्या है। ठीक, बात समझ गए होंगे मेरी। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इस सवाल का रिजल्ट क्या आएगा, 3, 5, 7, 8, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ये बात आपको नोट रखनी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हो, इन्हीं चीज़ों से सवाल की स्पीड बढ़ती है। जब ये चीज़ें हमेशा दिमाग में रहती है ना, तो चीज़ों पर सवाल की स्पीड करने का तरीका ऐसे ही बढ़ जाता है। बच्चे कहते हैं अरे तुमने तो इतनी तेज़ी से कर दिया, हमसे नहीं हुआ। जिसने तेज़ी से किया उसे याद थी, उसने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट पर फोकस किया है। जिसका देर से होगा उसे क्या लगेगा, अरे बेकार है। तो जिसके लिए बेकार है उसके लिए फिर सिलेक्शन भी दूर है। अगला सवाल देखो, अगर इन सवालों में मैं आपको ऑप्शन ना दूं, मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, सपोज करिए मैं आप यहाँ से ऑप्शन हटा देता हूँ, ऑप्शन मैंने हटा दिया थोड़ी देर के लिए। अब जब ऑप्शन हटा दिए तब ये सवाल कैसे होगा, इस पर आपको फोकस करना है। ये भी मैं आपको सिखा देता हूँ, समझिएगा। सवाल के ऑप्शन हटाने के बाद मैं ऑप्शन रख दूंगा तो सवाल बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। तीन इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं कि पहली दो का गुणनफल इतना है, अंतिम दो का इतना है। मैंने तीन अभाज्य संख्याएं ले ली, ए बी और सी, तीनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं। इसमें पहली दो का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो अपने पास आ जाता है 1147, और अंतिम दो का करते हैं, बी और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है 1517। अब आपको ये पता करना है कि ये जो तीनों नंबर थे वो क्या थे, ऐसे सवाल कैसे किए जाते हैं समझना। आप हमेशा एक चीज़ को गौर करो कि बी जो है वो पहली भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में है, प्रोडक्शन में है, और दूसरे में भी है। यानी एक ऐसी प्राइम नंबर होगा जो इस 1147 को भी डिवाइड करेगा और 1517 को भी विभाजित करेगा। अब हमारा टारगेट है कि हम ढूंढ लें कि वो क्या है, और ढूंढने का तरीका सबसे अच्छा ये होता है, ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका आप HCF ले लो, मासा पा ले लो। पहला तरीका ये है कि इसका मासा पा ले लो, आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक, मासा पा कैसे लेंगे कि भाई बड़ी छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवीजन कर लेते हैं भाग विधि के द्वारा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन दोनों में कॉमन क्या है या ये किससे कटेंगे, तो आप डिवीजन कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक, मैं बोलता हूँ कि अगर मैं कर ही लेता हूँ तो एक बार हो जाएगा 1147 रहेगा, 0 11 में 4 7, 14 14 में 11 3, 370। फिर मैंने कहा 1147 को मैं इससे डिवाइड कर लेता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट में एक एक स्टेप आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये समझना चाहिए कि सवाल को करने का अच्छा तरीका क्या होना चाहिए। ठीक, 370 से डिवाइड कर लेते हैं तो भाई 900 और 200 1100 हो जाएगा, 1110, यानी कि लगभग तीन बार हो ही जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 300 1 2 3 3 9 2 11 1110 7 3 0। अब हम देख पा रहे हैं कि जो 37 है, 37 से अगर मैं 370 को डिवीज़न करूंगा तो पूरा 10 बार डिवाइड हो जाएगा। और जैसे ही डिवाइड हुआ तो हमें समझ में आ गया कि 37 वो संख्या है जो दोनों का HCF कहलाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि B का मान अपने पास 37 आ जाएगा, ये भी 37, ये भी 37। अब ये सब बात बहुत सरल हो गया कि अगर A गुणे 37 का मान जो है वो 1147 है तो A का मान क्या होगा, इससे डिवीज़न करेंगे A आ जाएगा, इससे डिवीज़न करेंगे यहाँ C आ जाएगा। आपको मेरा ये सवाल का इतना करने का सिर्फ उद्देश्य ये था कि मैं आपको ये समझा सकूं कि ये 37 जो कॉमन नंबर है निकाला कैसे जाता है। ठीक, अब जब आप ये निकालना सीख जाओगे तो अब आपके पास ऑप्शन रहेगा ना, तो आप बड़ी आसानी से काम कर लोगे। देखो ऑप्शन है आपके पास, यानी बीच वाली संख्या जो है ये 37 है। अब आप देख लो जिसमें बीच में 37 हुआ आंसर होना चाहिए, पहला खत्म, इसमें 37, इसमें 37, सब में 37, कौन सा आंसर होगा, अभी भी दुविधा में। तो 31 गुणे जब हम 37 करते हैं, थोड़ा सा दिमाग भी अपना चलाना होता है, दूसरे ऑप्शन को मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये 1147 तो आ जाएगा। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं 37 का गुणा 61 में करता हूँ तो 6 × 1800 तो यही हो जाएगा। अपने पास तो यहाँ पर संख्या 1500 थी, इसका मतलब ये आंसर तो होने से रहा भाई, ये तो नहीं हो सकता।
तीसरे को चेक कर लें, हमें ये तो पता है कि 31 गुणे 37 करने पे 1147 आएगा, लेकिन 21 गुणे 37 करने पे 1147 तो नहीं आ सकता अगर 31 गुणे 37 से आ रहा है। ये खत्म हो गया, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। छोटी छोटी बातें हैं, सीखना बेहद जरूरी है, मजेदार चीजें हैं। अब इसी सवाल में हम लोग डीएस भी लगा सकते थे, लेकिन क्योंकि अभी मैंने डीएस आपको समझाया नहीं कि किस तरीके से देखना होता है, तो मैं भी अब इसको आगे के लिए ड्रॉप करके चलता हूं। आप इस तरीके से समझो, जब डीएस आएगा तो उससे भी लगाएंगे। अगले सवाल पर आते हैं। तीन क्रमागत पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेने पर उन्होंने क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा करने पर 74 योग होता है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तीन क्रमागत पूर्णांक है एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। अब इनको 2, 3 और 4 से गुणा करने पर जब योग करते हैं तो ये योग जो है वो 74 के बराबर होता है। तो योग कर लेते हैं, 2x प्लस 3x 5x, 5x प्लस 4x 9x, ये x वाला हिस्सा हो गया। 3 एकम 3, 4 दूनी 8 प्लस 3 11, 11 उधर माइनस कर लोगे 63 आ जाएगा। x का जो मान होगा वो आ जाएगा आपके पास 7। x का मान 7 सबसे बड़ी संख्या पूछा था, 2 जोड़ देंगे सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 9। ठीक, ये सवाल देखो। जेड प्रथम 31 संख्याओं का गुणनफल है। बहुत प्यारे प्यारे सवाल है जिनमें आपको ये लगेगा कि यार अभाज्य भाज्य संख्याओं पर या क्लासिफिकेशन पर ऐसे सवाल बन सकते हैं क्या, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। आपको लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक लगेगा। यदि x बराबर z प्लस 1 हो तब x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 29, x प्लस 30 में अभाज्य यानी कि प्राइम संख्याओं की संख्या क्या होगी। सब्र के साथ इस सवाल को समझना बहुत जरूरी है। ठीक, अगर आप अधैर्य हैं, अधीर हैं, तो फिर इसमें दिक्कत है। देखो, z जो है वो प्रथम 31 संख्याओं का गुणनफल है ना। 31 यानी इसका मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे आखिरी तक 31 तक, ये। तो इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जेड को मैं 31 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। बोले हाँ सर, लिख सकते हैं, 1 से 31 तक गुणा 31 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। अब सर ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो x है वो z प्लस 1 है, यानी कि अगर मैं x का मान यहाँ पे लिखूंगा तो मेरे पास क्या होना चाहिए, 31 फैक्टोरियल प्लस 1, ये है x का मान। अब कह रहा है x प्लस 1 की अगर मैं बात करता हूँ कि इस x में भी 1 ऐड करके जोड़ दूं, तो ये किस, ये क्या हो जाएगा, x का मान 31 फैक्टोरियल प्लस 1 था, इसमें एक और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 31 फैक्टोरियल प्लस 2। बहुत ध्यान से सुनिएगा सर मेरी बात, 31 फैक्टोरियल प्लस 2। 31 फैक्टोरियल को आपने अभी देखा कि कैसे लिखा जा सकता है। बोले सर 31 फैक्टोरियल को हम 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और सो ऑन डैश डैश करके 31 तक लिखेंगे। 31 फैक्टोरियल प्लस 2, तो मैं अगर इन पूरे में से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, इसमें से 2 कॉमन लेने पर इधर क्या बचेगा, 1, 2 तो कॉमन ले लिया, 3, 4, 5 और कहां तक, 31 तक, और इधर हमने 2 कॉमन ले ही लिया है तो ये 1 रहेगा, क्या रहेगा, 1। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना और समझना, दोनों ही बातें जरूरी है। ठीक, तो अगर ये संख्या जो है, देखो ये अगर 2 का मल्टीपल है तो सम संख्याएं जो होंगी वो 2n की फॉर्म में होती है। सम संख्या किसकी फॉर्म में होती है, 2n की फॉर्म में, यस और नो। तो इसका मतलब यहां से यहां तक की तो संख्या सम संख्या हो गई, सम संख्या है, पक्का है कि नहीं है। तो अगर ये सम संख्या हो गई तो सम संख्या में अगर मैं 1 जोड़ूंगा, और ये सारी की सारी सम संख्या, हमें एक चीज और समझ में आ रहा है कि 2 से बड़ी होंगी, ये कन्फर्म है, 2 से बड़ी होनी ही होनी है, 2 से क्या, ये 10 से बड़ी होंगी, सीधे समझ में आ रहा है। तो सम संख्या में 1 जोड़ते हैं अगर 2n प्लस 1 तो ये विषम संख्या का रूप बन जाता है, ये भी आपको बताया मैंने पिछली क्लास में। अब मुझे ये पता करना है कि 2n प्लस 1 की फॉर्म में जो संख्या है ये विषम होगी या नहीं होगी। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर ये 10 से बड़ी सम संख्या, तो 10 से बड़ी अगर आप सम संख्या लेते हो, मान लो यहाँ पर मैंने कहा कि 10 से बड़ी ये सम संख्या बन जाती है, ये एक सम संख्या, तो मैंने कहा, मैंने सम संख्या ले ली 12, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 बन सकता है,
लेकिन मुझे पता है ये 12 नहीं होगी, ये पूरा का पूरा हिसाब किताब ये यहाँ से नहीं, ये पूरा यहाँ से है, क्योंकि कॉमन तो दो सबसे लिया है। अच्छा, अगर दो कॉमन सबसे लिया है तो ये 1 यहाँ लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ये बात याद रखना था। और अगर ये 2 की फॉर्म में आ गई तो ये सम संख्या, और सम संख्या कभी अभाज्य नहीं हो सकती क्योंकि वो 2 का गुणज होती है, यानी एक्स प्लस 1 जो होगा वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। बात समझ में आ गई। इसी तरीके अगर मैं आगे बात करता हूं, जैसे इसमें लिखा है एक्स प्लस 2, अब एक्स प्लस 2 को लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे एक्स प्लस 1 को 31 फैक्टोरियल प्लस 2 लिखा है एक्स प्लस 1 को, तो एक्स प्लस 2 को क्या लिखोगे, 31 फैक्टोरियल प्लस 3। अब की बार यहां से 3 कॉमन ले लोगे, 3 कॉमन लेकर यहां पर 1 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5 और इसी तरीके आगे 31 तक जाएगा और प्लस में 1 रहेगा, तो ये 3 का गुणज हो जाएगा। जब 3 का गुणज हो गया तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं रह गया, मतलब x प्लस 2 भी प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। बात समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा है। आखिरी वाले को अगर मैं देखूं x प्लस 30, x प्लस 30 को हम लोग किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि 31 फैक्टोरियल प्लस 31। अब यहां से अगर मैं 31 ही कॉमन ले लूंगा तो ये 31 का गुणनफल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, सो ऑन x प्लस 30 तक, इस कंडीशन के साथ कोई भी आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। तो आप सवाल का आंसर दोगे कि सर नो वन, यहाँ पे कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होने वाली है। बात को समझना है, अगले सवाल पर आते हैं। 27/25 का दशमलव प्रसार किसके बाद शांत हो जाएगा? सिंपल सी बात है कि आपको 25 से 27 को डिवीजन करके देखना है दशमलव कितने अंकों के बाद है। एकम 25, 2.000, दशमलव के 2 अंक के बाद इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, तो आप कहोगे 2 दशमलव अंकों के बाद दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ए बी और सी और डी 4 पूर्ण संख्याएं होल नंबर इस प्रकार है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर डी है। कह रहा है ए बी डी सभी विषम संख्याएं हैं, कौन कौन सी ये याद रखना, ए बी डी, तब सी का मान क्या होगा? बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा सवाल आ गया भाई, मजेदार चीज है। समझो मैं बोल रहा हूं कि ए बी और डी जो है वो विषम संख्याएं हैं, तो 2n प्लस 1 की फॉर्म में होंगे। बहुत साधारण सी बात है, बहुत साधारण सी। तो मैं बोल देता हूं कि ए को अगर मैं 2n प्लस 1 ले लेता हूं, बी को इसके बाद वाला ले लेता हूं, विषम संख्याएं हैं, ये तो नहीं रोका है आपको कि लगातार नहीं हो सकती है, 2n प्लस 3 लिख लिया। अब सी हमें नहीं पता है तो सी लिख लिया, और डी को हमने बोला कि ये भी विषम संख्या है, तो इसको मैं अगली विषम संख्या कह देता हूं कि ये 5 है, विषम संख्या ही तो है और पूर्ण संख्या भी थी, तो पूर्ण संख्या भी होंगी। चलो खैर, अब देखो यहां से क्या मिला आपको, यहां से मिला 2, 2, 4n, 3 और 1, 4 प्लस सी बराबर 2n प्लस में 5। ये 2n इधर माइनस कर लेंगे, यहाँ 2n बचेगा, ये 4 को इधर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे प्लस c आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 1 बचेगा। अब अगर मुझे c का मान चाहिए तो ये हो जाएगा 1/2n, बल्कि 1/2n क्यों, c का मान हो जाएगा 1-2n। एक में से जब कभी भी आप किसी भी भाज्य अभाज्य उसको सम संख्या को घटाओगे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैं बोलता हूं कि n यहां पर अगर मैं कुछ भी ले लूं, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी ले लूं, अगर मैं इसको रख के यहां पर करूं आंसर तो c, मान लो एक ही रख लेते हैं, 2 आएगा तो ये -1 होगा। -1 कैसी संख्या है, आप कहोगे विषम संख्या है। मैं यहां पर अगर 2 रख लेता, 2 रखने पर ये 4 हो जाता तो -3 हो जाता, 3 रखता तो ये -5 हो जाता, 4 रखता तो ये -7 हो जाता। यानी हर बार आपको ये समझ में आएगा कि ये जो c होगा, c हमेशा क्या होगी, एक विषम संख्या ही होगी, तो इसका मान भी क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा। c का मान हमेशा क्या मिलेगा, विषम, कुछ भी रख लो आप। अगले सवाल पर आते हैं। एक परिमेय संख्या का हर जो है 2 की पावर n 5 के पावर m के रूप में, जहां n और m गैर ऋणात्मक पूर्णांक है, तो संख्या का दशमलव विस्तार कैसा होगा? मैंने आपको याद है शांत और अशांत दशमलव में चीज बताई थी कि अगर डिनोमिनेटर यानी कि जो हर है उसमें अगर आपको 2 या फिर 5
या फिर 2 और 5 दोनों दिखाई दे, तो ये हमेशा शांत दशमलव होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, यानी इसको दशमलव को हटा सकते हैं। यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, 7 दशमलव होता है, और 2, 5 या 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक दिख जाए तो अशांत दशमलव होता है। तो यहाँ पर अगर 2 और 5 है तो क्या कहलाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा था निर्धारित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक, कौन सा कथन सत्य है, ये आप बात का आपको जवाब देना है। मैं आपको ये कहूँगा कि इस बात का जवाब सभी लोग, क्योंकि अब मैंने पढ़ा रखा, तो मैं चाहूँगा कि होमवर्क में करके सभी बच्चे कमेंट से मुझे बताएं, जितने भी बच्चे अभी देखोगे या अभी से लेकर शाम तक या कल तक या आगे भविष्य में देखोगे, सभी बच्चे इस प्रश्न के उत्तर को सिर्फ इस बात के साथ कि सर सबसे पहले तो क्लास का फीडबैक देते हुए कि जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले क्लासिफिकेशन पे मैं 2 क्लास देख चुका हूं, और उन क्लासेस का जो लिंक रहेगा ना वो आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिलेगी, शून्य बैच मैथ्स के नाम से उसमें मिल जाएगा। उन क्लासेस को देखो, फिर जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। होमवर्क से करके सभी लोग पहले प्रश्नों का उत्तर दें, क्लास का फीडबैक जरूर दिया करो, अच्छा रहेगा। एक सवाल आता है, कह रहा है पी ऐसा अभाज्य है कि पी प्लस टू भी अभाज्य है। वाह जी वाह, पी एक ऐसी अभाज्य संख्या है कि पी प्लस टू भी अभाज्य है। तो इस बात को मैंने आपको अभी सिखाया ही था, अगर पी पी प्लस टू या इस पी प्लस टू के अलावा 2 और यानी पी प्लस 4, अगर ये तीनों अभाज्य हैं तो ये 3, 5 और 7 का सिर्फ एक पेयर बनता है। फिलहाल आगे हम बात करते हैं, सिर्फ हमारे पास यहाँ तक की बात है कि अगर पी अभाज्य है और पी प्लस टू भी अभाज्य है तो ये तो कुछ भी हो सकता है, 11, 13 भी हो सकता है, 5, 7 भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक, आगे बात करते हैं। तो क्या कह रहा है, जो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, कह रहा है पी पी प्लस टू प्लस वन एक पूर्ण वर्ग है। ये तो आप देख पा रहे हो तो ये समझ में आ जाएगा कि ये कंप्लीट स्क्वायर तो है ही, अगर मैं इसका गुणा कर लूँ तो पी स्क्वायर प्लस टू पी प्लस वन, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो बन रहा है भाई पी प्लस वन का होल स्क्वायर। तो जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये जो है एक पूर्ण वर्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट बात करते हैं, पी प्लस पी प्लस टू एक ऐसा भाजक है कि अगर पी इज ग्रेटर देन 3। ये सेकेंड स्टेटमेंट इंग्लिश में पढ़ लो, थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, इसको पढ़ लेता हूँ। कह रहा हूँ 12 इज अ डिवाइजर ऑफ पी पी प्लस टू इफ पी इज ग्रेटर देन 3। अब इसको समझना है कि अगर सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर पी जो है एक अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, और दूसरी बड़ी बात है कि पी 3 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं पी को मान लेता हूँ 5। 5 के बाद कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए थी ना कि पी प्लस टू भी अभाज्य हो तो 7 भी अभाज्य है, तो मैं P को 5 मान लेता हूँ। अब P को अगर मैंने 5 मान लिया तो मैं यहाँ वैल्यू रख लेता हूँ, मैंने रखी तो 5, 5, 2, 7 यानी 12। तो 12 का एक डिवाइजर क्या 12 होता है? बिल्कुल होता है, होता है 100% होता है। एक और एग्जांपल से आपको बोल रहा हूँ कि अगर मैंने P को 11 रख लिया, क्यों? क्योंकि P प्लस टू जो 13 होगा वो भी अभाज्य ही है, तो मैंने P को क्या बोल दिया, 11। अब मैं अगर 11 रख लेता हूँ तो अपने पास 11, 11, 22 और 2, 24 आएगा, और 24 का एक डिवाइजर यानी इसका एक भाजक जो होगा वो 12 होगा ही होगा। तो ये बात भी, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा, आंसर बनेगा बोथ 1 और 2 इज राइट, दोनों ही सत्य होंगे। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव का निरूपण है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल में उसका जो डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर में या तो 2 दिखे या फिर 5 दिखे या फिर 2 और 5 दोनों दिखे, तो हमें सिर्फ यही चेक करना है। इसके अलावा कुछ दिखे अगर हर में तो नहीं है, तो यहाँ पर हमें 3 दिखा नहीं है, यहाँ 7 दिखा नहीं है, यहाँ 5 दिखा है, यहाँ 9 दिखा था नहीं है। तो यहाँ पर जो शांत दशमलव का निरूपण है, 5 एकम 5 6/5 है, इसी से आपको शांत दशमलव मिलेगा, बाकी किसी से नहीं। सिंपल सी बात थी, शांत निरूपण देखना है। इसमें 7 दिख ही रहा है हटा देते हैं, इसमें 7 दिख रहा है हटा देते हैं, इसमें 3 दिख रहा है हटा देते हैं, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 15/600 जो है वो आपका सही जवाब होगा। ये शांत दशमलव का निरूपण जो होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टर्मिनेटिंग डेसिमल इज द ऑप्शन नंबर C, राइट।
तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, इनमें से एक किसी दूसरी से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, मैंने तीन अभाज्य संख्याओं में ए प्लस बी प्लस सी को मैंने 100 बोल दिया और ये बोला कि ए बी सी अभाज्य संख्या है। अब अगर तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है तो आपको एक बात याद रखनी है कि उसमें से एक अभाज्य संख्या हमेशा दो तो होगी ही होगी, निश्चित है। तो अगर एक संख्या दो होगी तो मैंने कहा कि ए जो है वो दो है, तो अगर ए दो हो गया तो सिंपल सी बात है कि बी प्लस सी का जो मान होगा वो 98 होगा। अब कह रहा था यदि इनमें से एक दूसरे से 36 अधिक है, एक दूसरे से क्या है 36 अधिक है, तो बच्चों के दिमाग में यह आ रहा होगा सर हो सकता है ए जो है वो बी से 36 अधिक हो, लेकिन ये संभव है क्या? दो से छोटी कोई अभाज्य संख्या होती नहीं है, तो ए जो है यानी दो जो है इन दोनों से 36 अधिक नहीं हो सकता है। इनमें क्या होगा कि इन दोनों में ही कोई एक दूसरे से 36 अधिक होगा, यानी बी और सी का जो अंतर होगा वो 36 होगा। अब बी क्या होगा सी क्या होगा आपको ये बताना है, इनमें से एक संख्या क्या होगी। एक तो पता चल गई कि दो है, जोड़ लेते हैं बी का मान क्या आएगा, जोड़ लेते हैं 8 6 14 के 4 हासिल 1 9 3 12 और 1 13 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 12 और 2 7 14 एक संख्या बी जो हो गई वो 67 हो गई। अब एक अगर 67 हो गए तो 67 को इसमें माइनस कर लेंगे तो सी आ जाएगा, 67 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा 31, यानी दूसरी संख्या तीसरी संख्या क्या हो गई 31। तो पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 67, तीसरी संख्या 31, जो जवाब क्या होगा नन ऑफ दीस, यानी इनमें से कोई नहीं। संख्याएं क्या होंगी 2 67 और 31। ये नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी संख्याओं के वर्गीकरण पे कुछ बेहतरीन सवाल जो कल रह गए थे वो मैंने आज आपको कराए। सभी लोग कमेंट करके ये जरूर बताना कि पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण संख्याओं का ये आपको कैसा लगा है, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको पढ़ने में मजा आई, आपको कुछ नया सीखने को मिला, मोटिवेशन हाई होता है, अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं कुछ और अच्छा आपको दे सकूं। चलिए बाय बाय, धन्यवाद।